રાજકોટની પીડીયુ સિવિલ હોસ્પિટલના આંખના વિભાગમાં વાર્ષિક આશરે 60,000 થી 65,000 દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. આંખના આ વિભાગમાં આંખને લગતી દરેક પ્રકારની જેમ કે મોતિયા, ઝામર, કીકી, પડદા, રસી, ત્રાસી આંખ, ડાયાબિટીક, રેટિનોલક્ષી, નાસૂર, વેલ વગેરે ઓપરેશનો કરવામાં આવે છે. સિવિલના આ વોર્ડમાં ચશ્માનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખૂબ જ ક્રિટિકલ એવી સર્જરી પણ વિનામૂલ્યે કરવામાં આવે છે. સિવિલ હોસ્પિટલનો આંખનો આ વોર્ડ ખાનગી હોસ્પિટલોને પણ ઝાંખી પાડી એવી કામગીરી કરે છે. અધધ લાખોમાં થતા નિદાનો સિવિલમાં વિનામૂલ્યે થાય છે. આ વિભાગમાં આંખને લગતા દરેક પ્રકારના નિદાનો કરવામાં આવે છે. આંખનો આ વોર્ડ આધુનિક મશીનરીઓથી સજ્જ છે. જીટી શેઠ આંખની હોસ્પિટલ એ સિવિલ હોસ્પિટલનો જ એક પાર્ટ છે. આંખના વિભાગના એચઓડી ડોક્ટર કમલ ડોડિયાના નેતૃત્વમાં આ વિભાગની દરેક કામગીરી થાય છે. કોનિયા એટલે કે કીકી બદલવાનું ઓપરેશન કમલ ડોડિયાના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવે છે, જ્યારે ત્રાસી આંખ તથા ઝામરનું ઓપરેશન ઇન્ચાર્જ ડોક્ટર નીતિ શેઠના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવે છે. આંખના આ વિભાગમાં દરેક દર્દીઓને સંતોષકારક નિદાન પ્રાપ્ત થાય છે. દર્દીઓ આંખને લગતી ગંભીરમાં ગંભીર સ્થિતિ ધરાવતા હોવા છતાંય તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ સિવિલમાં તેમનું યોગ્ય નિદાન કરવામાં આવે છે. हमारा जो जी टी सेठ आई हॉस्पिटल है, जो कि पीडीयू का ही पार्ट है, सिविल हॉस्पिटल का पार्ट है, यहाँ पे हमारे जो रिस्पेक्टेड एचओडी सर हैं डॉक्टर कमल डोडिया सर, जो हमारे यहाँ पे जितने भी कॉर्निया रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, स्पेशली केराटोप्लास्टी जो कि किकी बदलने का ऑपरेशन है, वो सर के नियंत्रण में ही होता है. और त्रासी आँख का, झामर का या पर्दे से रिलेटेड जो भी जांच, जो भी आगे का प्रोसीजर, जो भी इंटरवेंशन है, वो सब हमारे इंचार्ज मैम जो हैं डॉक्टर नीति शेठ मैम, उनके अंडर होता है. इसके अलावा हमारे पास एक बहुत फुल फ्लेश्ड फैकल्टी है, जिनमें कि हमारे डीबीसीएस के हेड डॉक्टर हरेश गड़िया सर, डॉक्टर फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, डॉक्टर विमल व्यास सर जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं सर, और डॉक्टर चेतना करमटा मैम के और डॉक्टर अंजलि पाड़िया मैम के अंडर यहाँ पे सब कुछ कंडक्ट होता है. साथ में मैं एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट ऐड कर देना चाहती हूँ कि यूजुअली हम यहाँ पे 60,000 से ऊपर तक की ओपीडी देखते हैं साल की. दिन का 200 से 300 तक का रेंज रहता है. और हम जैसे अभी कंजंक्टिवाइटिस कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे एपिडेमिक होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में आँख आना जैसे सब बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है. तो उसमें हम 1,000-1,000 तक के पेशेंट्स भी कवर करते हैं यहाँ पर. हमारे यहाँ ये पूरी सिविल हॉस्पिटल में हमारे ये आँख का जो हॉस्पिटल है, ये एक अलग एंटिटी है, अलग लोकेटेड है. फिर लास्ट में आप एंटर करते हैं वीडियो में, सबसे एंड में आपको आँख का अस्पताल मिलता है. यहाँ पे हम लोगों के पास हमारा ओपीडी रनिंग रहता है, हमारा आईपीडी रनिंग रहता है. आईपीडी में हमारे पास मेल एंड फीमेल वार्ड्स दोनों हैं, प्लस ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको कॉर्नियल अल्सर्स या जैसे कि आँख में रसी है, उन लोगों के लिए एक अलग वार्ड है, ताकि उन लोगों को नॉर्मल जो स्टेराइल पेशेंट्स हैं, क्लीन पेशेंट्स हैं, उनसे हम एक सेपरेट करके रख सकें. हमारे पास इतना एक ऑन डेली बेसिस अवेलेबिलिटी रहती है. सुबह हम अपनी ओपीडी स्टार्ट करते हैं 8:30 के अराउंड पेशेंट्स आने चालू होते हैं. 9 से फुल फ्लैश हम ओपीडी चालू करते हैं, जो कि 1 बजे तक चलती है. फिर हम उसी इस दौरान में यूजुअली जो लोग कैटरेक्ट के लिए या कोई भी दिक्कत के साथ आते हैं, उनका इवेल्युएशन होता है, उनका जो भी नेसेसरी इंटरवेंशंस लेने होते हैं वो हम सब लेते हैं. फिर इन्हें इंडोर करते हैं 1 से 4 में. फिर हम जो भी इंडोर का प्रोसीजर करके फिर 4 से 6 दोबारा हमारी ओपीडी रनिंग रहती है. ये हमारी ओपीडी के टाइमिंग्स. इसके अलावा इमरजेंसी यहाँ पे 24/7 365 डेज अ ईयर, चाहे कोई त्यौहार हो या बारिश हो, कुछ भी, यहाँ पे हमेशा ओपन रहती है. देखिए हमारे पास ना बहुत टाइप के ऑपरेशन इधर करते हैं. एक तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, जो कि चेका मार के और बिना चेका मार के दोनों की मशीन है हमारे पास, जिनके दोनों का करते हैं. साथ में हम यहाँ पे झामर का ऑपरेशन हो जाता है, त्रासी आँख के लिए अगर ऑपरेशन कराना हो वो. प्लस आपने देखा वो कुछ लोगों की आँख के जो पापड़ है ना, उसमें अगर कोई तकलीफ है तो आँख के पापड़ का भी ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है. जैसे दिवाली के टाइम पे ना, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि वो लोग पटाखे बहुत फोड़ते हैं, तो उन लोगों के बहुत केसेस यहाँ पे आते हैं. लास्ट ईयर ही एक केस था, उसमें 11 साल का बच्चा था, वो रोड क्रॉस करते हुए किसी ने बीच में पटाखा रखा होगा तो उसके पूरे फेस पे बर्स्ट हुआ था. तो वो जब हमारे पास आए थे तो उनको पूरी दोनों आँख में बारूद भर चुका था पूरा, और उनके जो बीच का जो किकी वाला पोर्शन होता है ना, वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो चुका था. तब उनको हमने यहाँ पे क्लीन करके रिपेयर करके तो उसके आगे के मैनेजमेंट यहाँ पे. तो मतलब एनी एंड एवरी केस, चाहे कितनी भी सिवियरिटी हो, यहाँ पे प्राइमरी असेसमेंट के लिए हमेशा एट ऑल टाइम्स अवेलेबल रहते हैं. मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैं ऑप्थेल्मिस्ट सेकेंड ईयर. कुछ कुछ पेशेंट में जैसे स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉर्नियल अल्सर्स हो गए, अल्सर वाले पेशेंट हो गए या ग्लॉकोमा वाले पेशेंट हो गए, जिनका क्रोनिक फॉलोअप रहता है, मतलब वो लॉन्ग फॉलोअप रहता है, मतलब 8 से 10 साल. ग्लॉकोमा का तो ऐसा है कि लाइफ टाइम फॉलोअप रहता है.
तो उसके लिए हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब ऐसे सारे ड्रॉप्स हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ड्रॉप्स के भी मतलब किसी भी प्रोसीजर या किसी भी ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये जो क्रोनिक फॉलोअप है जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लो कैटरेक्ट ऑपरेशन तो आप बाद में वन टाइम चार्ज है, आप बाहर से फिर भी एक बार कराएं। लेकिन जैसे ग्लॉकोमा है या अल्सर वाले पेशेंट, इनका क्रोनिक फॉलोअप रहता है तो उसमें लॉन्ग टाइम के लिए ड्रॉप्स चलते हैं, तो पेशेंट हर मंथ एवरी मंथली फॉलोअप होता है इनका, तो इनके लिए ड्रॉप्स हम फ्री देते हैं। और जैसे प्राइवेट में जाएंगे तो इनके ड्रॉप्स 400 से लेकर 1000 रुपीज तक आते हैं पर ड्रॉप्स की कॉस्ट ये पड़ती है, जो कि पेशेंट को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कैटरेक्ट हो, ग्लॉकोमा हो या केराटोप्लास्टी ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसी का जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन बाहर इन प्राइवेट हॉस्पिटल इन प्राइवेट सेटअप इट मे कॉस्ट अराउंड फ्रॉम 20 to 50,000 पर ऑपरेशन, एंड केराटोप्लास्टी इट मे कॉस्ट फ्रॉम 50,000 to 1,00,000 पर ऑपरेशन, विच इज टोटली फ्री है। यहाँ पर पूरा फ्री है, किसी भी चीज़ का एक भी चार्ज नहीं लिया जाता एक्चुअली। और उसके बाद इवन ऑपरेशन के बाद भी फॉलोअप में जब हम पेशेंट को ड्रॉप्स देते हैं दैट इज आल्सो टोटली फ्री। मेरा नाम पवित्रा परियार है, मैं नेपाल से हूँ, मैं बहुत साल से इधर ही हूँ, मेरे को 9 साल इधर पूरा हो गया है। मैं द ग्रांड पुल इधर जामनगर हाईवे रोड पे मैं वहाँ पे होटल में वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ के सेट का नाम धर्मेश भाई कुआड़िया, एप्पल भाई कुआड़िया है। और मेरा आँख पहले से त्रासी था बचपन से ही, तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए मैं परसों आई थी। मेरे को बोला कि आपका ऑपरेशन परसों हो जाएगा, आज शुक्रवार को हुआ है मेरा ऑपरेशन। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे अच्छा लगा। मेरा आँख भी सही हो गया, ऑपरेशन किया मुझे अच्छा लग गया, कुछ दुखा भी नहीं है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से किया, डॉक्टर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बात करने के तरीके में डॉक्टर झाड़ू पोछा से लेके डॉक्टर तक बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सब ने अच्छे से बात किया, अच्छे से ट्रीटमेंट किया, सब अच्छे हैं यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, आँख का इलाज करने वाला सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, सबसे अच्छा है ये हॉस्पिटल। महावीर सिंह, हूँ अणमतिया थी आऊँ छू, पड़दरी तालुको ने राजकोट जिलो लगे। राजकोट हॉस्पिटल में तो मैं खुदे तो आज बीजो दिवस थियो, અને આની પહેલાં મારા ભાઈ ઓપરેશન કરાવી ગયા હતા, આંખમાં મોતિયો છે, સારવાર બહુ સારી મળી અને ઓપરેશન બહુ સારું થયું, ના કોઈ કાંઈ પૈસાની કાંઈ નથી વાત, કોઈ કામ બહુ સારું થયું, બહુ સારા પ્રતિભાવ છે, કામ સારું જ છે। મારું નામ અરુણાબેન ગોસ્વામી, ભાવનગર પાસે મહુવા છે, એની બાજુના ગામડામાંથી છે। આંખના મારે આંખમાં અચાનક એવું થઈ ગયું હતું, એટલે ને અમે મહુવામાં બતાવ્યું તો એને એમ કીધું કે રસી થઈ ગયા છે, તમે રાજકોટ વ્યા જાઓ કે તો તમને ન્યા કે ગરીબ માણસ હો એટલે ફ્રીમાં થઈ જાય એમ। અહીંયા હું લગભગ પહેલાં 10-15 દિવસ અહીંયા સારવાર કરી, પછી થોડાક દિવસ ગામડે વહી ગઈ, પાછા અમારે અહીંયા આવવાનો ટેમ થઈ ગયો એટલે અમે પાછા અહીંયા આવ્યા। અહીંયા અમારું આંખની ટીકી બદલવાનું અમારું થયું હતું, પણ ટીકી 2 દિવસ અમે અહીંયા દાખલ થઈ ગયા, કોઈની ટીકી મળી જાય એટલે તરત અમને બદલી દે બરાબર, એટલે હા અમે અત્યારે ફ્રીમાં છે, ખાવા પીવાનું અમારે બધું અહીંયા ફ્રીમાં છે, અમારો 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, સાય અમે અમારા ઘરના પૈસાની નથી લીધી, બહુ મસ્તીનો કાંઈ નહીં, પ્રેમથી આપણને સમજાવે બધું રેડી, કોઈ જાતનો કાંઈ ડારો ડફારો કાંઈ નહીં, બહુ મસ્ત અહીંયા નિદાન સારું થાય છે, કોઈ પણને તમતારે નિદાન કરવું હોય તો અહીંયા આવી શકે છે,